नवाजुद्दीन सिद्दीकी की वाइफ आलिया सिद्दीकी के खिलाफ बीते 29 फरवरी को अंधेरी कोर्ट ने 138 निगोशिएबल एक्ट के तहत नॉन बेलेबल वारंट इशू किया है। यह मामला 2022 में रिलीज हुई फिल्म होली काउ से जुड़ा हुआ है, जिसे आलिया ने प्रोड्यूस किया था। कभी आलिया की दोस्त रही मंजू एम गढ़वाल शुरुआत में इस फिल्म की को प्रोड्यूसर थी। उन्होंने ही आलिया पर 5 साल पहले 31,68,000 रुपए न लौटाने का मामला दर्ज किया है। मंजू ने उनकी फैमिली से 1 महीने के लिए लाखों रुपए उधार लिए थे। 5 साल से मामला चल रहा है और आलिया ने आज तक उन्हें पैसे नहीं लौटाए हैं। वारंट इशू हुआ था तब इनके वकील आके इन्होंने हमें समझौते के लिए बोला था कि हम समझौता करने सेटलमेंट के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर लापता हो गई हो। फिर बाद में इन्होंने नेक्स्ट हियरिंग पे बोला कि वो आ जाएगी, पर वो नहीं आई। अब इस बार वो नॉन अवेलेबल वारंट इशू हो गया। मैं अकेली नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो अभी है ना बहुत जल्दी है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि मेरे बाद में काफी लोग विक्टिम बने हैं और हम लोग सब मिलके है ना जल्दी है ना इसको एक्सपोज करेंगे। इसका पास्ट लाइफ भी पूरा हम क्लियर करेंगे, किस तरह की वो बैकग्राउंड से आती है और इसका ये मतलब किस तरह की फ्रॉड करती है लोगों के साथ में। मंजू ने नवाज पर भी आरोप लगाए हैं कि वो इस मामले में आलिया के साथ मिले हुए हैं। कहीं ना कहीं नवाज भी इसमें शामिल है, मतलब इनके साथ मिले हुए हैं या इनके क्या है? क्योंकि जब वो हम सबसे पैसा लेती है तो वो साथ में होते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि मैं साथ हूँ, और जैसे ही हमारा मामला बिगड़ता है तो वो है ना मतलब दोनों अपने आप को अलग बता देते हैं। लास्ट ईयर उन्होंने मुझे सपोर्ट करा था जब इन दोनों के आपस के प्रॉब्लम थे, तो उन्होंने मेरा केस लगवाने में मुझे हेल्प करी थी। उसके बाद में वो भी है ना जैसे इनका समझौता वो भाग गए, मतलब वो फोन नहीं उठाते।